तो यहाँ पर गाइस बहुत सारे बंदों ने हमें यहाँ पर कमेंट किया कि भाई हमें बताओ कि हम अपने Realme C11 का स्क्रीन रिकॉर्डर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर बैकग्राउंड से स्क्रीन रिकॉर्डर हट जाता है ऑटोमेटिक सा। तो यहाँ पर गाइस आज के इस वीडियो पर हम यही ट्रिक्स बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने स्क्रीन रिकॉर्डर को इंप्रूव कर सकते हैं। और जैसे कि यार साइट पर देख सकते हैं, मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर अभी 12 मिनट तक अभी मैंने इसको रन करा है लगातार। तो यहाँ पर गाइस टेस्टिंग चल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको यहाँ पर बता दिया जाए कि कौन सा यहाँ पर ट्रिक्स मैं ट्राई कर रहा हूँ। और यहाँ पर गाइस आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, आपको इम्प्रूव देखने को मिलेगा। तो सिंपल से गाइस अभी वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमें इस साल से पहले 10K का सब्सक्राइबर फैमिली कंप्लीट करना है। तो चलिए यार वीडियो को बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर गाइस मैं आपको 2 टिप्स दूंगा जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस चलिए वीडियो को देखते हैं। तो यहाँ पर पहला टिप्स जो है, तो आपका स्टोरेज खाली नहीं है तब भी चलेगा, बट यहाँ पर गाइस मैं रिकमेंड करूँगा कि थोड़ी बहुत आपकी स्टोरेज खाली होनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि स्टोरेज बहुत ही मायने रखता है आपके फ़ोन को स्पीड करने के लिए। तो चलिए यार ये तो पुरानी चीज़ें हो गई कि यार वही सेम चीज़ बता रहे हो। तो चलिए यार अब चलते हैं अपने नए ट्रिक्स की तरफ। तो यहाँ पर साइट पर देख सकते हैं मेरा अभी भी स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है, लगभग मैंने 15 मिनट तक स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया, और भी ये चलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर एक सेटिंग करा हुआ है। तो चलिए हम वो सेटिंग आपको दिखाते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमें जाना पड़ेगा अपने सेटिंग पर, और सेटिंग पर जाने के बाद हमें वहाँ पर कुछ नहीं, जस्ट एक चीज़ सर्च करनी है। यहाँ पर आपको फोर्स डेस्कटॉप मोड सर्च कर लेना है। तो बेसिकली यहाँ पर गाइस आपको जो यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन है वो इनेबल करना पड़ेगा। तो डेवलपर ऑप्शन इनेबल बहुत ही आसान है, आप मेरे चैनल पर जाके वो वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं कि रियलमी C11 पर कैसे डेवलपर ऑप्शन को ऑन करते हैं। तो बेसिकली गाइस वहाँ पर डेवलपर ऑप्शन पर जाके आपको फोर्स डेस्कटॉप मोड का एक सेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा हम यहाँ पर इसको लिख करके सर्च कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारा डेवलपर ऑप्शन ऑन है, तो यहाँ पर हमें वो ऑप्शन दिखा देना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं नीचे यहाँ पर फोर्स डेस्कटॉप मोड यहाँ पर है। तो बेसिकली इस पर हम टैप करेंगे, और टैप करने के बाद यहाँ पर आएगा जैसे कि यहाँ पर अभी इनेबल है मेरा, तो इसको अभी ऑफ कर देता हूँ, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर स्टेप्स करने हैं। तो यहाँ पर पहले आपको फोर्स डेस्कटॉप मोड को ऑन करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर पावर आपको मतलब रीस्टार्ट करना होगा अपने फ़ोन को, और फिर बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर करनी। तो यहाँ पर अभी हमारा फ़ोन लगभग ऑन हो चुका है। तो यार और कुछ नहीं, बस यही चीज़ें आपको करनी है। तो यहाँ पर आप जब ये सारी चीज़ें कर लेंगे, और फिर फ़ोन को ऑन करके आप जब रिकॉर्ड करेंगे, तो आपका रिकॉर्ड काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। आप यहाँ पर इसको ट्राई कर सकते हैं ज़रूर से। तो यहाँ पर जो मैंने टिप्स बताई, तो उसको आप ज़रूर से एक बार ट्राई करना, तो आपको काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर गाइस कोई भी यहाँ पर कमेंट मत कर देना कि यार ये ट्रिक्स काम नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर गाइस कंडीशन अलग अलग होते हैं सबके। जैसे कि किसी का स्टोरेज ज़्यादा होता है, मतलब फुल रहता है, किसी का रैम मैनेजमेंट उतना भी खास नहीं, मतलब उसने बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रख दिया है। तो वो सभी कमेंट मत करना, मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि यहाँ पर गाइस आपको रैम जो है तो वो 2 GB है, तो इसीलिए ज़्यादा यहाँ पर रैम मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। गेम चलता है यही बहुत है हमारे लिए, तो यार इससे ज़्यादा आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं 2G वाले रैम पर, जो कि 7,500 का आप फ़ोन जैसे कि आप जानते हैं। तो आपको अगर गेमिंग फ़ोन चाहिए तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर खर्च कर चुका हूँ अपने एक नया फ़ोन लेकर। जैसे कि अभी मेरे पास Realme 6i है, तो आप भी परचेस कर सकते हैं। तो यार ज़्यादा वीडियो को बड़ी ना करते हुए यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो यार। अगला टॉपिक आप जो भी पसंद करते हो वो वाला आप लिख के यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, तो उस पर भी हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यार मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।